पृथ्वीराज के विषय में जो अलबेरूनी लिखता है, जो अरब इतिहासकार है, पृथ्वीराज का जो राज्य है, यानी कि पृथ्वीराज के समय से भी लगभग 150-200 साल, 150 साल पहले उन्होंने उसको गुजरात्रा कहा, यानी के गुर्जरों द्वारा रक्षित राज्य। अलबरूनी के ग्रंथ में गुर्जरत्रा शब्द नहीं बल्कि गुजरात शब्द आता है। गुर्जरत्रा और गुर्जरात्र, इन दोनों शब्दों की व्याख्या पर हमने गुर्जर सीरीज की प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियो में पूरी जानकारी दी है कि क्यों इनका अर्थ गुर्जरों द्वारा रक्षित राज्य नहीं हो सकता, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प मिल जाएगा कि इस विषय पर कहां बात की गई है। उसमें अलबरूनी पर लौटते हैं। तो अलबरूनी ने अपने ग्रंथ में गुजरात को चौहानों से कहीं नहीं जोड़ा है, पूरे ग्रंथ में चौहान शब्द का उल्लेख ही नहीं है। तो आचार्य जी ने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा वाली स्थिति कर दी है। अलबरूनी के 1020 AD में लिखे वर्णन में गुजरात की एक पुरानी वीरान राजधानी का उल्लेख होता है, जिसके लोग उनके अनुसार पहले ही किसी अन्य स्थान पर चले गए थे। तो अब ये खंडहर शहर अतीत में कब एक चहल पहल भरी राजधानी था, इसके गुजरात राज्य की सीमाएं कहां से कहां तक थी, तब इसके राजा कौन थे, इन सब बातों का ग्रंथ में कोई उल्लेख, कोई संकेत नहीं है। और इतिहासकार इस खंडहर शहर के नाम और उसकी ठीक ठाक जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक स्थिति, उस पर भी एकमत नहीं है, तो चौहानों से जुड़ाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अजमेर के चौहान राज्य का नाम गुजरात नहीं बल्कि सपाद लक्ष्य था, जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे।